ये वॉशिंग मशीन है सैमसंग की। सो अभी हम कपड़े डालकर देखेंगे लाइव डेमो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको कुछ मशीन के बारे में पूछना हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ज़्यादातर इसमें सूखे कपड़े ही डालना चाहिए, गीले कपड़े से वेट बढ़ जाता है, इसलिए आपको सूखे कपड़े ही डालना है इसमें, ड्राई कपड़े डालना है। ऐसे यहाँ पाउडर डालेंगे, कपड़े के हिसाब से पाउडर डालना है आपको। यहाँ पाउडर डालिए, यहाँ पर कंफर्ट डालिए छोटे से बॉक्स में, और यहाँ पर प्री वॉश के लिए पाउडर डालिए। अभी हम पावर ऑन करेंगे, डेली वॉश सेट करेंगे। डेली वॉश मतलब रोज के कपड़े। आपको यहाँ लाइट दिख रहा होगा, ये लाइट आपको यहाँ डेली वॉश के ऊपर लाना है। उसके बाद में हम टेम्परेचर सेट करेंगे। हमें ठंडा पानी के लिए यहाँ से लाइट बंद कर देना और गर्म पानी के लिए लाइट सेट कर देना है 40 पर। भिगोने के लिए ये वाला दिया हुआ है, बबल सोक मतलब कपड़े भिगो के रखेगा, लेकिन उसके लिए 30 मिनट बढ़ जाएगा। हम अभी भिगोने का कैंसिल कर देंगे, हमें भिगो के नहीं रखना है कपड़े। बाकी आरपीएम वगैरह वो ऑटो सेट करेगा, तीनों काम ऑटोमेटिक लेगा, धोना, खंगालना और सुखाना। अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले आपको बता दूं, कॉटन मतलब बेडशीट, सिंथेटिक साड़ी वगैरह जो नेट वाले कपड़े आते हैं, ये स्वेटर वगैरह, रिंस और स्पिन मतलब सिर्फ धोना सॉरी खंगालना और सुखालना है, इसमें धोएगा नहीं कपड़ों को, ओनली स्पिन करना मतलब ओनली ड्राई करना है कपड़ों को। इको टब क्लीन, हर महीने में एक बार टब क्लीन करना होता है, उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। या बेबी केयर, छोटे बच्चों के कपड़े, जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह या सॉफ्ट कपड़े, डेली वॉश मतलब सारे मिक्स कपड़े, क्विक वॉश मतलब जल्दी धोने के लिए 15 मिनट पे आप धो सकते हो, लेकिन इसमें कपड़े उतने अच्छे निकलते नहीं है जितने डेली वॉश में निकलेंगे। सुपर इको वॉश मतलब ज्यादा मले हुए कपड़े, अगर डेली वॉश से ज्यादा मले हुए कपड़े तो आप सुपर इको वॉश में डाल सकते हो। हर फंक्शन में 3-3 काम करेगा, जैसे यहाँ लाइट लगा हुआ है, धोना, खंगालना और सुखाना। अगर आपने सिर्फ रिंस स्पिन किया तो सिर्फ खंगालना और सुखाना होगा, अगर स्पिन किया तो ओनली सुखाना होगा। और ये प्री वॉश का लाइट है, प्री वॉश मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पर पाउडर डालना है आपने और ये बीच वाला लाइट चालू करना है, तो यहाँ पर लाइट लग जाएगा, मतलब प्री वॉश के लिए रहता है, धोने के पहले कपड़ों को प्री वॉश करना। ये ऊपर वाला रिंस के लिए, जो ये सेकंड वाला है, ये अगर आपको एक्स्ट्रा करना रहा तो ये रिंस है। और ये पहला वाला जो आता है, ये सबसे नीचे वाला, ये इंटेंसिव वॉश के लिए रहता है, ज्यादा गहराई से कपड़े धोना हो उसके लिए। अभी हम तीनों को बंद कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। डिलेड होता है, डिलेड मतलब मशीन चालू करना है आपको कितने टाइम के बाद, जैसे मैंने भी लगा दिया 3 घंटे लगा दिए, 3 घंटे के बाद में मशीन चालू हो जाएगी, तो अभी अभी इसका अभी जरूरत नहीं है हमें, तो हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ओके गाइज, ये इको बबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, मतलब इसमें बबल एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो
आप जो भी पाउडर वगैरह डालते हो उसका फोम बनेगा, 6.5 kg के लेवल में आती है। जैसे आपको अगर ठंडा पानी करना रहा तो आप यहाँ से लाइट बंद कर दीजिए, अभी 40 पर लाइट लगा हुआ है, आप इसको दबाते रहिए। ये भी देखिए सारे लाइट बंद हो चुके, सारे लाइट बंद होने के बाद में मतलब ये ठंडा पानी हुआ, और लाइट चालू किया तो उतना टेम्परेचर में पानी गर्म करेगा, ये 40 degrees। बाकी इसको आपने हाथ में लगाना है, ये ऑटोमेटिक सेट होगा। और ये दिया हुआ है चाइल्ड लॉक के लिए, ये दो ऑप्शन है, ये दो बटन अगर आप दबा के रखते हो तो चाइल्ड लॉक होगा, जब आप स्टार्ट करते हो तो डोर लॉक हो जाएगा, तो उसका सिंबल आपको यहाँ चाबी के पे में देगा। ये साउंड ऑफ के लिए, ये दो बटन स्पिन और ऑप्शन, ये दो दबा के रखा आपने तो साउंड ऑफ हो जाएगा। और ये इको टब क्लीन है, अगर आप महीने में टब क्लीनिंग नहीं करते हो तो अगर ज्यादा गंदगी जमा हो गई तो यहाँ पर वो आपको सेंस करेगा कि गंदगी ज्यादा जमा हो गई है, आप इसको टब क्लीन कीजिए। आपको ये वाला फोशन भी खोलना है हर महीने में एक बार, जब भी आप टब क्लीन करते हो तब, या फिर 15-20 दिन में जब गंदगी ज्यादा जमा हो जाती है तब यहाँ से खोलना है आपको। इसको किसी स्क्रू ड्राइवर वगैरह के सहायता से खुलिए, ये खुल गया है। आपको ये वाला पोर्शन है, इसको यहाँ से ऐसा जैसे हम नट खोलते हैं उस तरह से खोलिए, पूरा बाहर निकाल लीजिए, वहाँ पे जो गंदगी रहती है उसको साफ कर दीजिए। अभी हम खोल नहीं सकते क्योंकि हमने अभी अंदर कपड़े डाले हुए हैं, उसका पानी है तो पानी सारा यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए हम अभी इसको खोल नहीं सकते। इसको आपको आराम से खोल लेना है और सेम वैसी उसी तरह से लगा कर फिट कर देना है। चलिए अभी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये भी हमने डेली वॉश पे मतलब मिक्स कपड़ों पे लगा हुआ है, ये वाला हमने 40 मतलब पानी गर्म किया हुआ है 40 degrees Celsius में। सोक वगैरह हमने नहीं किया, मतलब भिगो के नहीं रखना है हमें, अगर भिगो के रखना रहा तो हम यहाँ से ये वाला बटन दबाते हैं तो 30 मिनट बढ़ जाएगा, तो लेकिन हमें नहीं करना है। और फिर अभी हम स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कर ओके। ये पानी लेना स्टार्ट कर दिया, पानी तो पड़ती है। अभी इसका टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 3 मिनट, ये कम होते होते जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद में एक म्यूजिक बजेगा लास्ट में एंड वाला, और उसके बाद में मशीन पूरा डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। आपको सिर्फ ऊपर से बंद करना है और कपड़े निकाल लेना है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से पानी आ रहा है अंदर, और कपड़े भी घूम रहे हैं। अब सारा पाउडर उसने पूरा ले लिया है, पाउडर आपको उतना ही डालना है जितना अभी यूज होगा। ये देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा पानी आ रहा है और फोम भी बना हुआ है पाउडर का। डोर लॉक हो गया है, इसका ये सिंबल बता रहा है चाबी वाला, जब तक ये बंद नहीं होता है या जीरो हो जाएगा और ये लाइट बंद हो जाएगा रेड कलर में, तभी दरवाजा आपका खुलेगा इसका। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में और भी वीडियो दिया हुआ है मैंने, जैसे फ्रिज है, डबल डोर है, सिंगल डोर है, फ्रंट लोड, टॉप लोड, वॉशिंग मशीन, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग वीडियो बनाए हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे चेक कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।